नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताराव, देख रहे हैं डियर डॉग। तो अमेज़न प्राइम डे सेल में टेक्नो ने लॉन्च कर दिया उनका लेटेस्ट ब्यूटीफुल स्मार्टफोन, विच इज टेक्नो कैमोन 19 नियो। ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है अमेज़न पे एट द प्राइस ऑफ 12,499 रुपीज। तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ो और आपको बताते हैं यही टेक्नो कैमोन 19 नियो स्मार्टफोन के बारे में। यार बॉक्स कुछ देखने में इस प्रकार का थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्स पैकेजिंग है, उसके साथ साथ यहाँ पर डिजाइन अवार्ड 2022 दिया गया। मतलब ये वाला स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया गया है, विच इज रियली गुड। इनफैक्ट पीछे यहाँ पर कुछ हाईलाइटिंग फीचर है, कम्स विद 48 मेगापिक्सल कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। तो डिजाइन के साथ साथ यहाँ पर कैमरा में काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। एक फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, 5000 एमएच का बैटरी है विद हीलियो G88 का प्रोसेसर। बॉक्स के अंदर मिलता है कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी इन्फॉर्मेशन, 18 वाट का फास्ट चार्जर, USB टू टाइप सी डेटा केबल, उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट TPU बैक केस जो डिवाइस में लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का लगता है। बात करते हैं डिवाइस के बारे में। यार अभी तक टेक्नो ने जितना भी डिवाइस लॉन्च किया या फिर इस बजट में जितने भी स्मार्टफोन्स 10-11-12,000 रुपए में, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल लुकिंग स्मार्टफोन। ये स्लीक है एंड पीछे का ये जो ग्लास्टिक डिजाइन है विच लुक्स रियली गुड। यहाँ पर आपको एक हेक्सागन पैटर्न काइंड ऑफ डिजाइन दिया गया, कैमरा का जो डिजाइन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवरऑल इट लुक्स ए ब्यूटीफुल डिवाइस। मैंने बाहर अंदर इस्तेमाल किया है, मुझे ये डिवाइस बहुत बढ़िया लगा। स्पेशली जो लड़की लोग हैं उन लोगों को मुझे लगता है ये वाला डिवाइस और भी ज्यादा पसंद आएगा। बाय द वे लड़के लोगों को भी पसंद आएगा। साइड में दिया गया साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके साथ साथ वॉल्यूम रॉकर्स बॉटम में दिया गया है, बॉटम फैन स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, मेन माइक्रोफोन एंड 3.5 हेडफोन जैक, एंड लेफ्ट साइड में मिलता है सिम ट्रे जहां पर आप डुअल सिम एंड डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। यहां पर एक 6.8 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है एंड ओवरऑल डिस्प्ले का क्लैरिटी काफी बढ़िया है एंड काफी वाइब्रेंट भी है। इंडोर आउटडोर में दोनों जगह पर इस्तेमाल किया, इवन आउटडोर सनलाइट में भी मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं हो, काफी अच्छे से ये डिस्प्ले परफॉर्म किया है। ऊपर एंड साइड में देखा जाए हल्का सा आपको ब्रेजल मिलता है, नीचे हल्का सा आपको एक चिन मिलता है। ओवरऑल देखने में काफी बढ़िया लगता है, फुल एचडी रेजोल्यूशन है मतलब आपको काफी क्रिस्प एंड शार्प डिस्प्ले मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं डेफिनेटली यू कैन वॉच हाई रेजोल्यूशन 60fps वीडियोस ऑन यूट्यूब, जो मैंने प्ले करके देखा है। एंड वीडियो व्यूइंग एंड साइड एंगल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए काफी बढ़िया है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्राइस में टेक्नो ने काफी एक बढ़िया डिस्प्ले दिया है। यहाँ पर एक सिंगल बॉटम फेयरिंग स्पीकर है जहां पर आपको अच्छा खासा साउंड आउटपुट मिल जाता है। हियर इज ए म्यूजिक सैंपल। डिजाइन के साथ साथ टेक्नो ने इस डिवाइस में कैमरा में काफी ज्यादा फोकस किया। यहाँ पर एक 14 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया, उसके बाद एक मैक्रो एंड एआई लेंस दिया गया फॉर बेटर पोर्ट्रेट एंड अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शॉट्स। एंड अगर सेल्फी देखा जाए 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पर और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस बार टेक्नो ने कैमरा को काफी अच्छे से ऑप्टोमाइज किया है एंड यूजर इंटरफेस देखा जाए काफी सिंपलिस्टिक है। यहाँ पर आपको सभी टाइप का ऑप्शन मिलता है, एआई, वीडियो, फिल्म, ब्यूटी, उसके बाद पोर्ट्रेट, सुपर नाइट। एंड अगर आपको एडिशनल ऑप्शंस देखा जाए पैनोरामा, स्लो मोशन वीडियोस, टाइमलेस, सभी टाइप का ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। डायरेक्ट अगर आप कैमरा में जाते हैं वहाँ पर आपको डेडिकेटेड लाइक 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन शॉट उठाना चाहते हैं 48 मेगापिक्सल शॉट इनेबल करके उठा सकते हैं। एंड अगर वीडियोग्राफी देखा जाए यहाँ पर अप टू 2K तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रॉम द रियर कैमरा एज वेल एज सेल्फी कैमरा, दोनों से आप 2K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था सेल्फी में यहाँ पर एक 32 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिसको आप बाय डिफॉल्ट के साथ साथ अप टू 32 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में भी सेल्फी उठा सकते हैं, जहां पर आपको काफी क्रिस्प एंड शार्प सेल्फीज देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं तो हाई रेजोल्यूशन सेल्फीज भी उठा सकते हैं। जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, इससे पहले मैंने टेक्नो के जितने भी स्मार्टफोन इस्तेमाल किए उसमें से मुझे लगता है इसमें टेक्नो ने कैमरा को और भी बहुत ज्यादा अपडेट किया है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट एंड ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर फोटोज मिलता है। मैंने कुछ कुछ फोटो उठाया था, फोटो कम्स आउट लाइक दिस एंड विच लुक्स रियली गुड। काफी अच्छा कलर है, सोशल मीडिया जनिक फोटोज है एंड फोटोज कम्स आउट रियली गुड। इवन अगर पोर्ट्रेट शॉट देखा जाए पोर्ट्रेट शॉट में भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा अपडेट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ लो लाइट शॉट्स मैंने देखा है काफी अच्छा आता है। यहाँ पर सुपर नाइट मोड तो है, उसके साथ साथ कैमरा को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। तो आप अगर लो लाइट फोटोज लेना चाहते हैं लो लाइट फोटोज भी काफी अच्छा आया है। जहां तक सेल्फी कैमरा का सवाल है 32 मेगापिक्सल कैमरा से भी आप बहुत अच्छे अच्छे शॉट उठा सकते हैं, जहां पर आपको पोर्ट्रेट, ब्यूटी और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जिससे आप अच्छे अच्छे सोशल मीडिया जेनिक फोटोज उठा सकते हैं। इवन एज आई सेड यू कैन कैप्चर हाई रेजोल्यूशन फोटोज टू। हालांकि ये काफी इनिशियल स्टेजेस, इसको और भी टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के बाद डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए एक फुल रिव्यू जरूर से लेके आऊंगा। जहां तक वीडियोग्राफी का सवाल है मैंने दोनों कैमरा से रियर एंड फ्रंट से फुल एचडी 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। हियर इज द सैंपल। सो ये रियर कैमरा सैंपल, रियर कैमरा से फुल एचडी एंड 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वैसा कुछ स्टेबलाइजेशन नहीं है।
तो चलते चलते लेंगे तो डेफिनेटली शेकी वीडियो आएगा। अभी शाम का मौसम है, शाम अभी तक नहीं हुआ है और थोड़ा बहुत क्लाउडी वेदर है, बट ये वाला जगह काफ़ी बढ़िया है, चारों तरफ कलरफुल चीज़ें हैं। तो अगर आप वीडियो लेंगे रियर कैमरे से कुछ इस प्रकार का आएगा। तो ये सेल्फी कैमरा वीडियो सैम्पल, एक्चुअली यहाँ से भी आप 2K तक वीडियो ले सकते हैं। फॉर द टाइमिंग आई एम रिकॉर्डिंग एट 30 FPS फुल HD में। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि जो लाइव व्यू है, लाइव व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है। इनफैक्ट एज यू कैन सी सोनाली वहाँ पर खड़ी है उधर एंड बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली लाइटिंग होने का थोड़ा सा कम है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो फॉर द टाइमिंग लाइव व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना कि ये सेल्फी कैमरा का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मैं थोड़ा बहुत इस साइड में जाता हूँ, फेस में काफ़ी अच्छे से फोकस करता है, एक्सपोजर कंट्रोल भी मैं बोलूँगा बहुत सही है। आई थिंक रियर कैमरा से या सेल्फी कैमरा का वीडियो क्वालिटी मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा, हालांकि इनिशियल इंप्रेशन है। और मैं जब गया था तब लाइटिंग कंडीशन थोड़ा सा डल था, ऑल दो एक चीज़ थोड़ा सा मिसिंग मुझे लगा या स्टेबलाइजेशन। अगर स्टेबलाइजेशन मिल जाता तो मुझे लगता है ये कैमरा का वीडियो और भी ज्यादा यूजफुल होता। ऑल दो एज आई सेड इसका फुल रिव्यू बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर दिया गया हाई OS 8.6 एंड उसके साथ साथ एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है, एंड्रॉयड वर्जन 12 आउट ऑफ द बॉक्स, सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। एंड यहाँ पर कुछ बेसिक जो आपका ऐप्स है वो सभी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, गूगल ऐप्स है, उसके साथ साथ दिया है गैलरी एंड बाकी यहाँ पर गूगल के कुछ कुछ एप्लीकेशन है। FM रेडियो इज अवेलेबल, दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। एंड हाई OS है मतलब इट्स हाईली कस्टमाइजेबल, और मैंने कुछ कुछ गेम इंस्टॉल किया जो डेफिनेटली प्ले करके आपको दिखाएंगे। ओवरऑल काफ़ी सिंपलिस्टिक है एंड ये काफ़ी हाईली कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से इस OS को कस्टमाइज कर सकते हैं। MediaTek का हेलियो G85 का प्रोसेसर दिया गया। जी हाँ, ये नया प्रोसेसर तो नहीं है, थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, बट MediaTek का G80 सीरीज के जितने भी प्रोसेसर है, वे G90 सीरीज के जितने भी प्रोसेसर, दोज आर वेरी पावरफुल प्रोसेसर एंड पावर एफिशिएंट भी है। डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी हैवी टास्क आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू प्ले गेम्स, यू कैन प्ले ऑल द गेम्स, जितने भी गेम्स अवेलेबल है सभी गेम्स यहाँ पर आप अच्छे रेजोल्यूशन पर खेल सकते हैं। मैंने कुछ कुछ गेम खेला, मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो गेम प्ले इस डिवाइस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से गेम प्ले कर पाएंगे एंड उसके साथ साथ डे टू डे लाइफ में जो टास्क है वो भी काफी अच्छे से ये कर लेता है। मेरे पास जो वेरिएंट है 6GB रैम एंड 128GB रोम, एंड ये जो 6GB रैम है इसको आप मेमोरी फ्यूजन के मदद से और भी 5GB बढ़ा सकते हैं, मतलब यहां पर आपको 11GB तक का रैम मिल जाएगा, उसके साथ साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा एंड आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट तो मिलता है, तो डेफिनेटली आप मेमोरी कार्ड लगा के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मुझे नहीं लगता इस डिवाइस में आपको वैसा कोई दिक्कत होगा, इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। इस डिवाइस में 5000mAh का बैटरी मिलता है, उसके साथ साथ 18W का फास्ट चार्जिंग। मैं सोच रहा था थोड़ा सा ज़्यादा वो लोग वाटेज दे सकते थे, बट चलो ठीक है, 1250 रुपये के हिसाब से मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, लेकिन शायद वो लोग 33W दे सकते थे। जो भी है, मैंने हालांकि चार्जिंग टेस्ट तो नहीं किया, बट ओवरऑल बैटरी मैंने अभी तक जितना इस्तेमाल किया, हालांकि ज़्यादा टाइम अभी तो नहीं हुआ, बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। 18W चार्जर से मुझे लगता है चार्ज करने में इसको लग जाएगा लगभग 2 घंटे से ऊपर। जी हाँ, 33W तो थोड़ा कम लगता, बट 18W है तो मतलब कम से कम 2 घंटे से ऊपर तो ये लग ही जाएगा। ऑल्दो बैटरी परफॉर्मेंस सीम्स टू बी प्रीटी गुड ऑन दिस डिवाइस। सो गाइज, ये था टेक्नो कैमोन 19 नियो। मुझे पर्सनली ये डिवाइस बहुत बढ़िया लगा, इट्स अ ब्यूटीफुल डिवाइस एंड उसके साथ साथ इस बार टेक्नो ने कैमरा के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक टेक्नो स्मार्टफोन चाहते हैं एंड जो देखने में भी बढ़िया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, तो डेफिनेटली ये वाला डिवाइस आप चेकआउट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन Amazon एट द प्राइस ऑफ 12,499 रुपीज। इसका फॉलो अप वीडियोस मेरे चैनल पे डेफिनेटली आएगा, उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड ये वीडियो कैसा लगा, टेक्नो कैमोन 19 नियो कैसा लगा, डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना। मुझे पर्सनली इसका डिजाइन एंड कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा, तो मोर वीडियोस कमिंग सून। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम डाटा, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।